बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट 10 का काम करेंगे। यूनिट 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं, नाम है इसका डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री। इस यूनिट में हम थ्योरम 3 पढ़ेंगे। आज थ्योरम 3 है हमारे पास, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट मींस कट करें, देन द ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो उससे बनने वाले जो ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, इक्वल। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है इक्वल, लेकिन जब एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हम वर्ड कॉन्ग्रुएंट यूज करते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए ऑब्जेक्टिव। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, उसके बाद है कॉमा। देखिए हमारे ऑब्जेक्टिव में जो कॉमा से पहले का स्टेटमेंट होता है वो गिवन होता है, और जो कॉमा के बाद वाला स्टेटमेंट होता है वो हमें प्रूफ करना होता है। तो हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स होते क्या है, यहाँ फिगर में देखिए, हमारे पास फिगर में दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पे। अब इन दोनों के इंटरसेक्ट करने से आप जरा और करें, यहाँ पे हमारे पास फोर एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल, ये और ये। मैं इन एंगल्स को नंबर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। बोर्ड पे देखिए बी ऑपोजिट होगा एंगल बी ओ सी के, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। ये नंबर्स मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं, आप इसे थ्योरम में मेंशन नहीं करेंगे, आप इनके एंगल्स के जो नाम है इसी से मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल एंगल ए ओ सी वर्टिकल ऑपोजिट है एंगल बी ओ डी के, इसी तरह एंगल ए ओ डी वर्टिकल ऑपोजिट है एंगल बी ओ सी के। अंडरस्टैंड क्लास, अपने थ्योरम पे आते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास गिवन क्या है, टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। यह हम फिगर में देख चुके हैं कि लाइन ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पे। टू प्रूफ में वो होता है जो हमें प्रूफ करना होता है। दो पॉइंट्स हमें यहाँ पे प्रूफ करने हैं, क्या है, एंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए ओ डी के, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, एंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए ओ डी के, ये प्रूफ करना है। देन सेकंड पॉइंट है एंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी ओ डी के, ये हमें प्रूफ करना है। आगे देखते हैं, प्रूफ करते हैं इसे, स्टेटमेंट्स और रीजंस। हमारे पास यहाँ पे दो कॉलम्स होते हैं स्टेटमेंट्स और रीजन के। यहाँ जो हमारे पास स्टेटमेंट होगी उसका रीजन गिवन होगा नेक्स्ट कॉलम में। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है मेजर एंगल ए ओ सी प्लस मेजर एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपके पास फिगर में जो है मेजर एंगल ए ओ सी प्लस मेजर एंगल बी ओ सी इन्होंने कहा है 180 डिग्री है, और फिर आगे रीजन दिया है बाय थ्योरम 1, ये इन्होंने हमें रेफरेंस दिया है थ्योरम 1 का। अब थ्योरम 1 आपने नहीं पढ़ा तो इसलिए मैंने उसका स्टेटमेंट यहीं पे लिख दिया है, उसका ऑब्जेक्टिव या आपको लिखना नहीं है थ्योरम में। जबकि थ्योरम आप कॉपी करेंगे तो आप इस स्टेटमेंट को नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहीं तक लिखेंगे थ्योरम 1 तक। अब देखिए थ्योरम 1 का स्टेटमेंट क्या है, इफ अ स्ट्रेट लाइन स्टैंड ऑन अनदर स्ट्रेट लाइन, अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन पे दूसरी कोई स्ट्रेट लाइन लाया करती है, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स, तो जो हमारे पास दो एंगल्स बन रहे होते हैं उनका सम दो राइट एंगल्स के बराबर होता है। किस तरह होता है मैं आपको यहाँ पे छोटी सी फिगर बना के समझा देती हूँ। देखें जैसे हमारे पास ये एक लाइन है, इसके ऊपर कोई दूसरी लाइन लाए कर रही है, मैंने इसे नाम दे दिया एक्स, ये वाई और ये जेड।
एक स्ट्रेट लाइन है और फिर उसके ऊपर जो दूसरी लाइन बन रही है ये भी स्ट्रेट लाइन है। अब इनसे बनने वाले जो दो एंगल्स हैं ये और एक ये एंगल, मैंने इसे एंगल वन और एंगल टू का नाम दे दिया। ऑब्जेक्टिव में कहा गया है कि इन दोनों से बनने वाले जो एंगल्स हैं, दो एंगल्स जो बनेंगे उनका सम इक्वल होगा दो राइट एंगल्स के। आपको पता है राइट एंगल्स किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के। दो राइट एंगल्स कितने हो गए, 90 प्लस 90 180। अंडरस्टैंड क्लास? इसका मतलब है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे दूसरी कोई स्ट्रेट लाइन लाए कर रही है तो उनसे बनने वाले जो दो एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। वैसे भी ये बात जो है आप प्रैक्स से पढ़ते आ रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, ये आप प्रैक्स में पढ़ चुके हैं। बस उसी बात को यहाँ पे इन्होंने एक्सटेंड किया है। अंडरस्टैंड क्लास? आगे देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है मेजर एंगल ए ओ डी प्लस मेजर एंगल ए ओ सी इक्वल है 180 डिग्री के। जिस तरह से ऊपर इन्होंने ए ओ सी और बी ओ सी को कहा था, इसी तरह नीचे इन्होंने ए ओ डी और ए ओ सी को कहा है कि वो भी 180 डिग्री के इक्वल है, और उसका भी रीजन क्या है, बाय थ्योरम 1। आगे देखिए नंबर थर्ड पॉइंट, मेजर एंगल ए ओ सी प्लस मेजर एंगल बी ओ सी इक्वल मेजर एंगल ए ओ डी प्लस मेजर एंगल ए ओ सी। आप इस स्टेटमेंट को क्लास जरा और से देखिए, ए ओ सी बी ओ सी ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ए ओ सी बी ओ सी, देन ए ओ डी ए ओ सी, ए ओ डी ए ओ सी ये सेकेंड स्टेटमेंट है। तो हमने थर्ड स्टेटमेंट में किया क्या है कि दोनों स्टेटमेंट्स को फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट को इक्वल में करके लिख दिया। अब उसका रीजन क्या है, देखिए रीजन क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन। क्या मतलब इसका ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी एंड इक्वेशन दोनों शॉर्ट में लिखे हुए हैं। अब होती क्या है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन, यहाँ देखिए क्लास, देखिए अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू वाई है और जेड इक्वल टू वाई है, यानी x भी y के इक्वल है और z भी y के इक्वल है, तो मैं इसे इस तरह से कह सकती हूँ ना कि x इक्वल टू z, x जो है वो z के इक्वल है। तो बस यही सेम काम इन्होंने यहाँ पे किया है, देखिए हमारे पास काम इन्होंने यहाँ पे किया है, देखिए हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट भी 180 के इक्वल थी, सेकेंड स्टेटमेंट भी 180 के इक्वल थी, तो हमने क्या किया इन दोनों को इक्वल में करके लिख दिया। आगे क्लास समझ, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, मेजर एंगल बीओसी इक्वल टू मेजर एंगल एओडी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, रीजन क्या है, कैंसिलिंग मेजर एंगल एओसी फ्रॉम बोथ साइड्स, कैंसिल हुआ है मेजर एंगल एओसी, यहाँ देखें मेजर एंगल एओसी इधर भी है और इक्वल टू के दूसरी साइड पे भी है। जब हमारे पास इक्वल टू के दोनों साइड सेम टर्म मौजूद हो सेम साइन के साथ तो वो कैंसिल हो जाती है, ये इक्वल टू के दोनों अपोजिट साइड्स पर थी, ये भी मेजर एंगल एओसी, ये भी मेजर एंगल एओसी, तो ये दोनों कैंसिल हो गई, रिमाइंडर क्या रहेगा, मेजर एंगल बीओसी प्लस में इक्वल टू मेजर एंगल एओडी। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है, और एंगल बीओसी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एओडी। इन्होंने क्या किया है, बस इक्वल टू को कॉन्ग्रुएंट में करके लिख दिया। अभी ये बात मैंने आपको समझाई थी कि जब एंगल्स के इक्वल होने की बात होती है तो वर्ड कॉन्ग्रुएंट यूज होता है। स्टेटमेंट देखिए, इसका रीजन देखिए, फिफ्थ, इफ टू एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आप देखिए यहाँ फिफ्थ पॉइंट में हमारे पास एंगल बीओसी कॉन्ग्रुएंट एंगल एओडी लिखा है, तो एक्चुअली हमने इस स्टेटमेंट में अपना फर्स्ट पॉइंट प्रूव कर दिया है। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, एंगल बीओसी कॉन्ग्रुएंट है एंगल एओडी के, हमें ये प्रूव करना था, यहाँ देखिए हम ये प्रूव कर चुके हैं। नंबर सिक्स है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, हम इसी तरह प्रूव कर सकते हैं एंगल एओसी कॉन्ग्रुएंट एंगल बीओडी, ये है हमारा सेकंड पॉइंट, यहाँ देखिए सेकंड पॉइंट, एंगल एओसी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बीओडी।
तो हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं इस तरह, बाय द अबव प्रोसेस, अबव प्रोसेस के थ्रू, जो हमने जो कुछ भी ऊपर किया है हम इसके थ्रू इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, हेंस प्रूफ। आई होप क्लास आप लोगों को ये थ्योरम 3 समझ में आया होगा। अब अपनी डायरी देख लीजिए, होमवर्क देखिए क्लास, टू कंप्लीट थ्योरम नंबर 3 फ्रॉम बुक पेज नंबर 189। क्लास अगर आप लोगों को ये थ्योरम एक दफ़ा देखने में समझ ना आए तो बार बार वीडियो देखिएगा, अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।